नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों में पिछले 24 घंटों में लगातार आ रही खबरों की वजह से उछाल आया, जिसमें इन्वेस्टर्स ने वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदना शुरू कर दिया। FTX के अपने ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की संभावना, इथेरियम शंघाई अपग्रेड का लाइव होना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूनिट कैश सेटल्ड बिटकॉइन इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए सर्विसेज ऑफर करना और स्टॉक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्विटर ईटोरो की पार्टनरशिप, इन सभी रीजन की वजह से ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा मिला है। बिटकॉइन $30,700 अंक से अधिक उछला, वहीं इथेरियम $2100 के स्तर की ओर बढ़ गया है और शंघाई अपग्रेड के बाद लगभग 10% पोस्ट कोड जोड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप अरबों डॉलर के अनस्टेकिंग टोकन्स होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेडिंग व्यू डेटा के अनुसार टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में ETH की हिस्सेदारी एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 2.39% बढ़ गया है, जो कुल $1.29 trillion तक पहुंच गया है। इसी समय सीमा में क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 6.21% कम होकर $45.47 billion हो गया। $3.67 billion की वॉल्यूम के साथ डीफाई का कुल 8.08% हिस्सा था, जबकि स्टेबल कॉइन्स $40.77 billion पर थे, जो कि टोटल वॉल्यूम का 89.67% है। बिटकॉइन मार्केट डोमिनेंस दिन के दौरान 0.41% कम हुआ और वर्तमान में 46.76% है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बढ़ती है, इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट में अधिक रुचि रखते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने बिटकॉइन फ्यूचर्स और ऑप्शंस को अपनी ऑफरिंग में शामिल करने का फैसला किया है। 13 अप्रैल को जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक LSEG ने ग्लोबल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ साझेदारी की है, जो एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड डिजिटल ट्रेडिंग वेन्यू है और क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स पर फोकस्ड है। LSEG बिटकॉइन इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव में ब्रिटेन के पहले रेगुलेटेड ट्रेडिंग और क्लियरिंग की पेशकश भी करता है। स्टेटमेंट के अनुसार GFOX ग्लोबल रेगुलेटेड डिजिटल एसेट मार्केट में 24/7 ट्रेडिंग देने के लक्ष्य के साथ ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रक्चर के भीतर न्यू टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहला कदम उठा रहा है। ये देखते हुए कि यूनाइटेड किंगडम में क्रिप्टो मार्केट के संबंध में अभी भी कोई ऑफिशियल रेगुलेशन नहीं है, यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त GFOX के साथ LSEG की साझेदारी डिजिटल एसेट डेरिवेटिव इकोसिस्टम में विश्वास जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे क्रिप्टो मेनस्ट्रीम फाइनेंस के और भी करीब आ सकता है। देश की साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फेलिक्स मुटाटी ने 12 अप्रैल को रॉयटर्स को बताया कि जाम्बिया जून तक रियल लाइफ क्रिप्टो यूसेज की नकल करने वाले टेस्ट को पूरा करने की योजना बना रहा है। मिनिस्टर के अनुसार सिमुलेशन के रिजल्ट्स सेक्टर के लिए रेगुलेशंस बनाने में पॉलिसी मेकर्स की सहायता करेंगे। मुटाटी ने रॉयटर्स को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में हमारा मुख्य लक्ष्य डिजिटल पेमेंट्स के मामले में इनोवेशन के बीच बैलेंस बनाना है, सिटीजंस की सुरक्षा के विरुद्ध, विशेष रूप से ये देखते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी बहुत वोलेटाइल है। जाम्बिया ने क्रिप्टो के प्रति कॉशियस अप्रोच की है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि देश के सेंट्रल बैंक ने फरवरी में एक वार्निंग जारी की थी, जो लोग क्रिप्टो में डील करना चाहते हैं उन्हें इस तरह की पेमेंट और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ आने वाले सभी रिस्क की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉइनडेक्स इंडाइसेस, जो एक कॉइनडेक्स सब्सिडरी है और 2014 से AUM द्वारा डिजिटल एसेट इंडेक्स के लीडिंग प्रोवाइडर में से एक है, ने बिटकॉइन ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्च किया है। BTI एक डेली सिग्नल है, जो एक पर्पस बिल्ट नॉन डिस्क्रिशनरी एल्गोरिथम का उपयोग करके बिटकॉइन की कीमतों में प्रेजेंस, डायरेक्शन और इंटेंसिटी को बताता है। सिग्नल 5 पॉसिबल वैल्यूज में से एक को ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक बिटकॉइन प्राइस में डायरेक्शन और ट्रेंड की स्ट्रेंथ से मेल खाता है। कॉइनडेक्स बिटकॉइन प्राइस इंडेक्स के ऐतिहासिक डेली लेवल्स में से एक नॉन डिस्क्रिशनरी मेथोडोलॉजी का उपयोग करके डेली लेवल से BTI को कैलकुलेट किया जाता है। 5 साल की अवधि में XBX डेटा का उपयोग करके इसका परीक्षण किया गया है। एसेट मैनेजर और इन्वेस्टर्स BTI का उपयोग केवल लंबे समय तक डायनामिक एलोकेशन स्ट्रेटजीज के लिए कर सकते हैं। CDI ने देखा है कि BTI द्वारा सूचित बिटकॉइन और रिस्क फ्री कैश के एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो ने क्रिप्टो विंटर्स के दौरान एक्सपोजर को कम कर दिया है, जबकि अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में भाग ले रहे हैं। जैक एंड जोन्स ने अपने स्प्रिंग समर्स 2023 कलेक्शन के हिस्से के रूप में मेटावर्स थीम वाले कैप्सूल कलेक्शन का अनावरण किया,
जो एक नए अवतार में बेस्ट ऑफ हाई स्ट्रीट फैशन पेश करता है। नया कलेक्शन जो स्टाइल और ऑगमेंटेड रियलिटी के बीच के गैप को ब्रिज करता है में ब्राइट और प्लेफुल कलर्स का एक अरे है जो समर्स के लिए आइडियल है। यह लिमिटेड एडिशन कैप्सूल 3D ऑगमेंटेड रियलिटी पर एक इनोवेटिव कदम है जो जैक एंड जोन्स शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक हायर डिजिटल रियल में बढ़ाता है। कंज्यूमर्स को इतने बड़े पैमाने पर 360 डिग्री का अनुभव देने वाला भारत का पहला फैशन ब्रांड बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए जैक एंड जोन्स ने एक टेक्नोलॉजी आधारित दृष्टिकोण शामिल किया है जो कंज्यूमर्स को एक पूरी नई दुनिया में कदम रखने और अवतार लेने की अनुमति देता है। चांगी वर्स में आपका स्वागत है। इसी तरह चांगी एयरपोर्ट ग्रुप ने आज सुबह पॉपुलर रोब्लॉक्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने नए वर्चुअल वर्ल्ड के लॉन्च की घोषणा की। चांगी एयरपोर्ट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड वर्ल्ड लॉन्च करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसे एग्जीक्यूटिव्स एयरपोर्ट के मेटावर्स एंगेजमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। रोब्लॉक्स के 200 मिलियन से अधिक मंथली यूजर्स अब चांगी के डिजिटल वर्ल्ड को विजिट कर सकते हैं जिसमें पॉपुलर और लैंडमार्क एयरपोर्ट साइट्स और साथ ही ऐसे खेल गेम्स हैं जो प्लेयर्स को फ्लाइट टिकट्स जैसे प्राइजेस जीतने की अनुमति देते हैं। चांगी का मानना है कि दुनिया भर के यात्रियों के साथ जुड़ाव बनाने के लिए समय और दूरी की बाधाओं को तोड़कर लॉन्च ऑनलाइन एयरपोर्ट के अनुभव में क्रांति लाएगा, भले ही वह एयरपोर्ट पर हों या ना हों। सुपर लीग गेमिंग एक लीडिंग पब्लिशिंग और दुनिया के सबसे बड़े मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इमर्सिव एक्सपीरियंस के क्रिएटर ने आज SL स्टूडियोज के लॉन्च की घोषणा की जो यूजर जनरेटेड गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक फर्स्ट पार्टी स्टूडियो है जिसमें रोब्लॉक्स पर इनिशियल प्राइमरी फोकस किया गया है। सुपर लीग एक पब्लिशिंग स्टूडियो के रूप में गेम डेवलपर्स के लिए सर्विसेज की एक वाइड रेंज की पेशकश करेगा जिसमें ब्रांड पार्टनरशिप्स, ऑडियंस ग्रोथ स्ट्रेटजीज, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, ओरिजिनल IP एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज और टेलर्ड बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस शामिल हैं। सुपर लीग मंच पर 20 से अधिक टाइटल्स के अकम्प्लिश्ड और रिस्पेक्टेड रोब्लॉक्स डेवलपर्स के साथ SL स्टूडियोज के फॉर्मेशन के माध्यम से कोलैबोरेट कर रहा है जिसमें गाचा ऑनलाइन, फ्री हैचर्स, एनीमे डायमेंशन सिमुलेटर, इजी स्टड जंप्स ओबी, टाइप और डाई, हाउस टाइकून, बेकरी सिमुलेटर, फॉलिंग कलर्स और बहुत कुछ शामिल है। एनीमे बैटल ग्राउंड्स एक्स सुपर लीग का पहला ओरिजिनल रोब्लॉक्स गेम और जल्द ही रिलीज होने वाली अगली सीक्वल ABY भी SL स्टूडियो में शामिल है। गेम्स को कुल 4 बिलियन से अधिक विजिट प्राप्त हुए हैं और 9 मिलियन से अधिक बार खिलाड़ियों द्वारा पसंद किया गया है। मास्टरकार्ड हाल के वर्षों में कई Web3 पहलुओं में शामिल रहा है जिसमें ये Web3 स्पेस में प्रवेश करने के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंस में निहित कई लेगेसी कंपनीज में से एक बन गया है। मास्टरकार्ड ने हाल ही में 12 अप्रैल को अपने नए आर्टिस्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की। हालांकि इस बार इसमें एक Web3 ट्विस्ट शामिल है क्योंकि प्रोग्राम नॉन फंजिबल टोकन गेटेड है। ये सिर्फ मास्टरकार्ड म्यूजिक पास NFT होल्डर्स के लिए उपलब्ध है। घोषणा के मुताबिक NFT लिमिटेड एडिशन है और महीने के अंत तक म्यूजिशियंस और फैंस दोनों के लिए फ्री है। पॉलीगॉन के कोलैबोरेशन से प्रोग्राम एजुकेशनल मटेरियल्स, यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और अन्य अनुभव तक फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। 12 अप्रैल को book.io e-books के लिए कार्डानो पावर्ड NFT मार्केटप्लेस ने अपने एक वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर के नाम का खुलासा किया जो अपने शुरुआती दिनों से अग्रणी स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है। book.io ब्लॉकचेन पर कई मीडिया टाइप्स की प्रिजर्वेशन और परपेचुअल प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी प्रोप्राइटरी डिसेंट्रलाइज्ड इंक्रिप्टेड एसेट्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। कंपनी के विजन में एक ई बुक और ऑडियो बुक मार्केटप्लेस, मोबाइल रीडिंग एप्स और इंडिपेंडेंट ऑथर्स के लिए एक पब्लिशिंग पोर्टल बनाना शामिल है। इनग्राम कॉन्टेंट ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को सभी प्रकार के कॉन्टेंट से जोड़ने के लिए समर्पित है। ये पब्लिशर्स, रिटेलर्स, लाइब्रेरीज और एजुकेटर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रदान करता है। इन सर्विसेज को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के माध्यम से सीमलेस और एक्सेसिबल बनाता है। ऑफिसेज और फैसिलिटीज के एक्सटेंशन ग्लोबल नेटवर्क के साथ इनग्राम की सर्विसेज में डिजिटल और फिजिकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंट ऑन डिमांड और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए अन्य सर्विसेज शामिल हैं। NFT कलेक्शन अजूकी और बीन्स के पीछे की Web3 कंपनी चीरू लैब्स और पॉपुलर कैरेक्टर कलेक्शन लाइन फ्रेंड्स की पेरेंट कंपनी IPX ने बुधवार को अपने कोलैबोरेशन की घोषणा की।
20 NFTs और लाइन फ्रेंड्स कैरेक्टर्स पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ दोनों कंपनियां कंटेंट मर्चेंडाइज, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर्सन एक्टिवेशंस और इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंसेस पर मिलकर काम करने की योजना बना रही हैं। आईपीएक्स लाइन फ्रेंड्स से विकसित हुआ, जो स्टारबक्स, नेटफ्लिक्स और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों के साथ साथ के पॉप बैंड बीटीएस के कोलैबोरेशन से एक इनोवेटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रांड के रूप में लाइन मैसेजिंग ऐप के भीतर स्टिकर के रूप में शुरू हुआ। कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लाइन फ्रेंड स्टोर के ऊपर एक बिलबोर्ड इस हफ्ते एनएफटी एनवाईसी के दौरान कुछ एनएफटी कैरेक्टर्स का एक एनिमेशन डिस्प्ले करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Bitcoin Ethereum prices jumped in the last 24 hours following the slew of news flow that led investors to buy virtual digital assets or VDA. Prospects of FTX resuming its operations, Ethereum Shanghai upgrade going live, London Stock Exchange unit offering services for cash-settled Bitcoin index futures and options, Twitter eToro partnership for stocks crypto trading platform fueled optimism. Experts have identified the rally as sell the rumor, buy the fact redux. Bitcoin, the most popular private digital currency, jumped over $30,700 mark. Ethereum surged towards $2,100 level. The second largest VDA has added nearly 10% post-Shanghai upgrade, which is expected to result in unstaking tokens worth billions of dollars. ETH's share of the total crypto market capitalization rose to a one-month high, according to TradingView data. The global crypto market cap has grown by 2.39% in the last 24 hours, reaching a total of $1.26 trillion. In the same time frame, the total crypto market volume decreased by 6.21%, amounting to $45.47 billion. DeFi accounted for 8.08% of the total, with a volume of $3.67 billion. While stablecoins was $40.77 billion, which is 89.67% of the total. Bitcoin's market dominance decreased by 0.41% over the day and is currently at 46.76%. Against the backdrop of January-March quarter earnings seasons and the banking sector performance remaining a focal point, the prospect of rate hike in the FOMC meet next month, investors seem seeking refuge in VDAs.